हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुमिता। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ग्रीन चटनी विथ कर्ड। चटनी तो हम हर तरह के बनाते हैं, पहले भी मैंने बहुत सारा चटनी की रेसिपी पोस्ट किया हुआ है। आज लेकिन हम बनाएंगे ग्रीन चटनी विथ कर्ड। ग्रीन चटनी विथ कर्ड में हम यूज़ करेंगे पुदीना, हरा धनिया और दही और बाकी सारे मसाले। तो चलिए फिर देखते हैं ग्रीन चटनी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हाँ तो फ्रेंड्स, ग्रीन चटनी विथ कर्ड बनाने के लिए मैंने लिया है, ये देखिए, पुदीना लिया है आधा कटोरी जो अच्छे से धो के कट कर दिया है, और ये हरा धनिया लिया है, इससे भी मैंने अच्छे से धो के कट कर लिया है, और ये थोड़ा सा मैंने दही लिया है, और मसालों में मैंने लिया है ये थोड़ा सा नमक लिया है, ये है थोड़ा सा काला नमक लिया है, ये घर में बना हुआ जीरा पाउडर है, और ये फ्रेंड्स थोड़ा सा मैंने अदरक लिया है, ये एक हरी मिर्ची लिया है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते होंगे तो आप दो भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये सारी चीज़ों को मिक्सी के जार में डाल के मैं क्या करूँगी, पीस देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं क्या करती हूँ, ये जो मैंने हरा धनिया लिया है, हरा धनिया डाल देती हूँ। और जो मैंने पुदीना लिया है, पुदीना डाल देती हूँ। और क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम जो दही लिए हैं, दही जो हमने पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही दही डालेंगे। पहले तो हम मसाला सब डाल देते हैं, अदरक डाल देते हैं, हरी मिर्ची डाल देते हैं, और ये जो मसाला जो है काला नमक, जीरा पाउडर और नमक, ये सब मैं इसमें डाल देती हूँ। फिर फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, पहले हम 3 चम्मच दही डालेंगे, डाल के पहले मिक्सी में चला देते हैं, फिर जो बाकी जो दही बचा हुआ है उसे भी डाल के हम मिक्सी में चला देंगे। पहले मैं इसको मिक्सी में पीस देती हूँ। हाँ तो फ्रेंड देखिए, अभी मैंने वो सब जो पुदीना, हरा धनिया सब डाल के अच्छे से पीस दिया है, कुछ इस तरह बना है। अगर ज़्यादा पतला आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, जो हमने बाकी दही रखा है उसको भी आप डाल सकते हैं। अगर आपको इतना ही पतला चाहिए तो आप इतना भी रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो मेरा रेडी हो गया है ग्रीन चटनी विथ कर्ड। चलिए फिर मैं इसको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। मुझे लगता है मुझे ज़्यादा और दही डालने की ज़रूरत नहीं है, ये परफेक्ट बन गया है। तो मैं इसको प्लेटिंग करके अभी आपको दिखाती हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी हमारा जो चटनी है वो रेडी कर दिया है मैंने। देखिए कितना अच्छा बना है चटनी। ये हरा धनिया पुदीना की चटनी है, ये बहुत हेल्दी है फ्रेंड्स। ये चटनी को आप किसी भी पराठे या जैसे कि समोसा, कचौरी, किसी भी चीज़ के साथ आप इसे खा सकते हैं। ये बहुत स्पाइसी टेस्टी बना है फ्रेंड्स। और मैं एक बात बताना चाहूँगी, जैसे कि आपने दही लिया है, मैंने दही लिया है, वो जो फ्रेश दही था इसलिए मैंने एक हरी मिर्ची डाला है। अगर आप कोई खट्टा दही लेते हैं तो आपको 2 से 3 हरी मिर्ची डालना पड़ेगा, तभी थोड़ा स्पाइसी लगेगा और बहुत टेस्टी लगेगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में मेरी ये रेसिपी को शेयर कीजिए। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।